जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, अभी अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, तो उसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उनका भी आंसर मैं आपको करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है जो आपके नए सत्र के लिए एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, यानी कि जो यूजी कोर्सेज के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि उनका जो रोल नंबर है या उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी बोर्ड से डेटा नहीं मिल पाया है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड से अभी जो डेटा है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया है, इसीलिए आपको जो रोल नंबर है जैसे आप डालते हैं तो नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो आप परेशान मत होइएगा, हो सकता है आज शाम तक या कल तक वो अपडेट हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है बहुत ही आराम से हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका एक से दो दिन में आपका जो रजिस्ट्रेशन है आप ट्राई कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है, अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है बच्चे। तो रिजल्ट को लेकर जैसे मैंने आपको बताया, फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है, जिन बच्चों के एग्जाम हुए हैं चाहे वो सेकेंड ईयर है या फाइनल ईयर है या फाइनल सेमेस्टर है, तो उनका जो रिजल्ट है बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। हो सकता है 10 सितंबर के आसपास तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो बच्चे प्रमोट हुए हैं, जिनका जैसे सेकेंड सेमेस्टर है या आपका फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट हुए हैं, तो वो भी बच्चे चिंतित हैं कि हमारा जो रिजल्ट है प्रमोट का कब तक आएगा, कब तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो साथियों, जो प्रमोट का रिजल्ट है वो उनका भी रिजल्ट जो है 15 सितंबर के आसपास तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, 15 सितंबर तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे आगे जो नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी अभी एक नोटिस जारी हुआ है, वो हुआ है बीएड को लेकर, यानी कि जो बीएड है हमारा 2020-22 सेशन, यानी कि जिनका इस बार फर्स्ट ईयर है, तो उनके एग्जाम फॉर्म ओपन किए गए थे, बच्चों ने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए थे। लेकिन यदि किसी बच्चे का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो पाया था, किसी कारणवश फॉर्म छूट गया था, तो उसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने पोर्टल ओपन किया हुआ है, लेकिन वो कंडीशनली है, आपको पहले अपना फॉर्म वेरीफाई कराना होगा। तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, 3 स्टेज से आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, तभी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि जिन बच्चों का फॉर्म रह गया है, अपना फॉर्म भरने से वो वंचित रह गए हैं बीएड का, तो वो अपना फॉर्म भर सके। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, आगे बात करते हैं, आगे है हमारा जो नए सत्र के पीजी के एडमिशन स्टार्ट होने हैं, उसके लिए भी काफी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। तो पीजी के जो एडमिशन है वो सितंबर में लगभग पोर्टल ओपन किया जाएगा, 10 से 15 सितंबर के आसपास में, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं, यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।